जो कि इंतजार होगा आपको, क्योंकि कई लोगों को लगता है यार मैं तैयारी तो कर चुका हूं, मगर 300 नंबर में, जैसे मान लो हम यदि हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ में 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। अब इस 300 मार्क्स के एग्जाम में हम कितने चीजों को कैटेगरी बेस्ड में कवर कर सकते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं बेटा सबसे डेंजर कैटेगरी में, जिसका नाम है जनरल कैटेगरी। तो हमको क्या करना है, प्रीवियस में क्या कैटेगरी क्या कट ऑफ आया था, आज भाई 2 से 3 साल बाद ये एग्जाम हो रही है, तो अब क्या होगा, 2019 के बाद अभी हो रही है एग्जाम, तो अभी कितना ऊपर जा सकता है, क्या क्यारे हो सकती है, क्या बाउंड्रीज हो सकती है, क्योंकि ऐसा होगा कि 149 आपका मार्क्स बना और 150 में सिलेक्शन हो गया, आपका एक नंबर के कारण चूक गया। तो ऐसी परेशानी ना हो इसलिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे बेटा तुम्हारा सीजी सेट 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और एकदम जाहिर सी बात है कि उसके बीच में ही आएगा, उसके अंदर या बाहर इधर उधर नहीं होने वाला, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश मैंने की है। तो बेटा जनरल कैटेगरी में जो प्रीवियस है, ठीक है, ये देखते जाओ, प्रीवियस की बात करेंगे, तो जनरल कैटेगरी में जो प्रीवियस हमारा डेटा है वो आपका आया था 49, ठीक है भाई, 49.61% आया था, ठीक है। अब यार 49 का मतलब ये है कि आपको अभी परसेंटेज कितना बनाना चाहिए, तो मुझे लगता है अभी का कट ऑफ 2024 का कट ऑफ की बात करते हैं, तो 2024 में कट ऑफ जो है +3 कर दो बेटा, ठीक है। तो +3 का मतलब है आपका 52% आएगा, ठीक है, 52% आएगा। अब हम बात करते हैं कि भैया 52% के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे, ठीक है। तो आप ना मिनिमम रेंज यहां से लेना, 150 से रेंज ले लो, 150 का मतलब होता है एग्जैक्ट 50% होता है, ठीक है। तो यहां से लेकर के आपको रेंज 158 मार्क्स में जाना, ये क्या है, ये मार्क्स है बेटा, ठीक है, 150 से 158 मार्क्स आपको लाने हैं यदि सेफ रहना होगा। तो इसके लिए कितने क्वेश्चन हैं जो एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ 300 ना, कितने क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है जिसको आपको एक्यूरेट मतलब गलत नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहां पे मिनिमम आप ना 80 क्वेश्चन बनाओ, यदि आप 80 क्वेश्चन बनाते हैं तो ये मान के चलेंगे कि आप सेफ कैटेगरी में आते हैं, सेफ कंडीशन में आते हैं, और यदि आपकी कैटेगरी है और इस रेंज में आप ले आए हैं तो फिर तो आप बेस्ट है, आपके जैसा कोई नहीं है मान के चलो, ठीक है। ये हो गई बात हमारे जनरल की, ठीक है। जनरल के बाद हम बात करेंगे किसका, ओबीसी का, और ओबीसी के बाद बात करेंगे बेटा हम आपके एसटी कैटेगरी का, ठीक है। तो सेकेंड नंबर की कैटेगरी आती है आपका ओबीसी, और ओबीसी में जो प्रीवियस मार्क्स था पिछले बार वो 46.86 है बेटा, 46.86% है, और जो 2024 की बात करेंगे 3% आपको ऐड कर देना है, क्या लेंगे आप, 49% लेके चलना है, 49% लेके चलेंगे, तो लगभग आपको 143 से लेकर के, ठीक है, 152 क्या लाने बेटा, मार्क्स आपको लाने होंगे, इतने मार्क्स आपको मिनिमम लाना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन है बेटा 76, 76 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, मिनिमम। यदि आप ओबीसी हैं, 150 में से 76 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं, एक्यूरेट, इसलिए मैं बोलता हूं एग्जाम में आप कभी भी जाते हैं तो बेटा 150 में से उन्हीं क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें जो आपके काम का है, आप पढ़े हुए हैं, आपका टॉपिक क्लियर है और आपको लगता है कि यही क्वेश्चन आएगा, हमारी बात यही क्वेश्चन आएगा ऐसा आपका मानना है, तो ऑफकोर्स आप उसको क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ में आ रही बात। ये हो गया बेटा दो कैटेगरी। अब मैं अपने आप को ना मूव कर लेता हूं, कहां मूव करूं, ये ऊपर मूव कर लेता हूं, माई भगवान है रे बाबा, मैं कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो मैंने अपने आप को ऊपर मूव कर लिया है, चलिए
तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं, नंबर थ्री, जो कि आपका है बेटा एससी कैटेगरी। ठीक है, एससी कैटेगरी को हम पिंक कलर से मेंशन कर देंगे। टोटल परसेंटेज आपको लाना है 42.77, प्रीवियस में आया था, 3% आप ऐड कर दो तो 45% हो जाएगा। ठीक है, 45% में रेंज आएगा बेटा आपका 132 से 138 लाना है, और इसके लिए आपको मिनिमम 68 क्वेश्चन कवर करने हैं, 68 क्वेश्चन आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, और सबसे बेस्ट, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बेटा ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो एसटी कैटेगरी में आप कहीं ना कहीं सेफ तो हैं, मगर आपके खुद के कैटेगरी में बहुत सारा कंपटीशन चलता है, तो ऐसा नहीं समझना कि भाई मेरी कैटेगरी है तो मैं बहुत जल्दी आसानी से निकल जाऊंगा। थोड़ा बहुत थोड़ा वैल्यू में आपको भी इसके लिए प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इनकी कैटेगरी सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं, आपको बता देता हूं। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी में बेटा आपको लाने हैं, क्या कलर ले लूं भाई, ग्रीन ले लेता हूं। ठीक है, टोटल परसेंटेज लास्ट टाइम आया था 39.30% आया था। ठीक है, जो आपके परसेंटेज की बात करो तो 42 ले लो, 42% आपको लाना है इस बार। ये टारगेट करना ना, ऐसा मत करना कि भाई ये सूर्य सर ने ये बताया मैं इसको टारगेट करूंगा, अरे भाई ये पिछला है बेटा, अभी थोड़ा सा अपग्रेडेड, कम आ गया तो क्या दिक्कत है। यदि कट ऑफ कम आ जाता है, आपके नंबर इस लेवल पे है, तो भाई आपका तो श्योर है बेटा कि तुम्हारा एग्जाम निकल गया, तो कहीं को टेंशन लेने करे बाबा। ठीक है, तो यहां पे तुमको बहुत रेंज कम आ जाएगा बेटा, 119 से लेकर के आपको 128 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 64 क्वेश्चन। तो देखो कितना आसान है, यदि हमारा एक तरह से वैल्यू बेस्ड हम यहां पे क्या करते हैं कैलकुलेशन। इमेजिन करो कि हमें अपनी कैटेगरी पता है, और इस कैटेगरी के बेस पे हमने क्या किया है, मान लो कि भैया हमने अपने वैल्यूज को इसी हिसाब से सेट कर लिया है, तो इसमें क्या होगा कि मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूं कि मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को सही लगाना है, तो क्यों ना मैं 3 घंटे में, दिमाग लगाओ, 3 घंटे में आपको उतने ही क्वेश्चन को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ओबीसी हूं बेटा, ठीक है, सुरेश साहू नाम तो सुना ही होगा, तो मैं ओबीसी हूं, मुझे लाना है मान लो 76 क्वेश्चन बनाने हैं, 76 क्वेश्चन बनाने हैं, आउट ऑफ 150 कितना अच्छा रेंज है यार। यदि मैंने 75 क्वेश्चन भी सही बनाया और बाकी क्वेश्चन को तुक्का भी मार रहा हूं, तो उन बाकी क्वेश्चन में मेरे बहुत सारे सही होने के चांसेस हैं, तो भाई मेरे नंबर तो बहुत अच्छे आएंगे ना भाई, बात समझ में आ रही है। तो आपको भी इसी तरह के वैल्यू एडिशन आपको करने होंगे। ठीक है, माइंडसेट बनाओ, कितने नंबर चाहिए आपको, वो पहले से प्रीप्लान्ड होना चाहिए, और प्लान करने के बाद आपको वो क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जाम के नियर बाई मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ओएमआर शीट को, क्वेश्चन पेपर को, कई बार क्या होता है, एक बच्चा आता है क्वेश्चन नंबर 1 का सी मार्क कर दिया, अरे पूर्वक क्वेश्चन नंबर 1 का सी मार्क कर देगा एक एक बार में तो आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा बेटा। एक बार क्वेश्चन पेपर को पकड़े तो जितना क्वेश्चन आप बना पाते हो पहले बना लो, ओएमआर शीट में बूंदाबांदी मत करना, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो टाइम मैनेज करने के लिए आप पहले क्वेश्चन बनाएंगे, इसके पैटर्न होते हैं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, पेपर किस तरह से सॉल्व करें, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं आपको बेटा। आपने पेड कोर्स लिया है तो भी, आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो भी, मैं यूट्यूब में आपको कंटेंट दूंगा ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। जीवन में कभी आपके कुछ काम आ गए तो भाई क्या पता आप बोलोगे सुदेश सर ने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, कभी रस्ते में दिखे तो पहचान ली, बोले अरे सुदेश सर थैंक यू, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस हमारा बेटा यही मोटिव है, और हम भी इतना मेहनत करके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में अभी सेलेक्ट हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है बड़े मुकाम पे जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्रैक करें, और उसका सबसे बड़ा बैरियर जो है वो सेट एग्जाम है। मैं अपने छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए बेटा जो मेरा कोर्स है 7999 का, 8000 का कोर्स है जो कि अभी चल रहा है 4500 में, यदि कोई बच्चा इस वीडियो को देख करके मैसेज करता है कि सर अभी 3 महीने बचा है
मुझे वीडियो कोर्स को कम में प्रोवाइड करो, मैं उसको कम में प्रोवाइड कर दूंगा। 1000 का कूपन डिस्काउंट दूंगा, मात्र आपको 3500 में पूरा वीडियो कोर्स मिलेगा। क्या दो भाई, और क्या दो बताओ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं आपको बहुत सारे चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। यूट्यूब में हम आपके लिए वीडियो डालता ही हूं। ठीक है, साथ में यदि आपको पेड कोर्स लेना है तो 3500 रुपए में, 3500 रुपए में मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आप गरीबी रेखा वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल है, तो 3000 रुपए में कर दूंगा। चलो ठीक है, बट पढ़ना नहीं छोड़ना बेटा, पढ़ना पड़ेगा हमको, टारगेट जो भी है उसको कवर करना पड़ेगा।